अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स. एंड टुडे द न्यूज़ दैट विल बी कवरिंग, आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दैट इन इंग्लिश, रादर आई विल बी स्पीकिंग इन माय मदर टंग उर्दू. और बेसिकली टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग ये है कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताए और साथ साथ आपको टैक्स का लॉज और जो इम्प्लिकेशंस हैं और जो आपके टैक्स राइट्स हैं उसके हवाले से बात करें. लेकिन आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की एक ख़बर पे. और बेसिकली इस वक्त हम हैं एबीसी नेटवर्क पे. और एबीसी क्या है? बेसिकली एबीसी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ये उसकी वेबसाइट है. और उन्होंने एक ख़बर दी है जिसका नाम है कैचिंग द मनी मैन. और ये मैं बता दूं आपको कि बेसिकली यहाँ हम कोई लीगल ओपिनियन नहीं दे रहे, कानूनी मशवरा आपको नहीं दे रहे. यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो खबर को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस न्यूज़ में क्या है. और मकसद ये होगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है. आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, FBR, स्टेट बैंक, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, इन सारी खबरों में सुनते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होती क्या है? तो इस खबर में आपको एक तो तरीका पता चलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है. और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, यानी कि पाकिस्तान में भी एक कानून नाफिज है जिसको कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून. 2010 में ये बना था. बेसिकली उसमें तारीफ जो की गई है मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि इस काम पे पाबंदी है, ये काम आप नहीं कर सकते. लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, लॉन्ड्री आपको पता है जैसे हम कहते हैं यार कपड़े धुलवा लो लॉन्ड्री वाले से, तो लॉन्ड्री का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ़ करना. और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसों को साफ़ करना. तो आप पूछेंगे कि पैसों को साफ़ या नोटों को साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल इस तरह है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप बताते हैं मैं सैलरी कमाई, मैंने बिजनेस से इनकम कमाई, ये मेरे एसेट्स हैं, ये घर मेरा है या ये गाड़ी मेरी है, तो इस तरह करके गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करते हैं कि यार ये मैंने पैसे कमाए साल में और ये यहाँ मैंने खर्च किए बच्चों की तालीम पे, या मैंने इससे गाड़ी ले ली, घर ले लिया. बेसिकली जो पैसे आप क्राइम से कमाते हैं. अब क्राइम क्या है, बेसिकली जुर्म क्या है? तो पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉज हैं जो बताते हैं कि चोरी करना या किसी की किसी को जान से मार देना, या और क्राइम्स हैं जैसे जो है ना है गलत अकाउंट्स बनाना, गलत टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये सब जुर्म है. और आप इन क्राइम से अगर पैसे कमाते हैं तो फिर तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते अपनी टैक्स रिटर्न में, या किसी को भी नहीं बता सकते कि ये पैसे मैंने क्राइम से कमाए. सपोज़ करें कि आप किसी का मोबाइल चोरी कर लेते हैं महंगा सा 1,00,000 का और 50,000 का बेच देते हैं, तो ये 50,000 रुपीज़ आप क्या बताएंगे कि ये आपने कैसे कमाए? तो आप ये करते हैं कि उसके लिए कोई बहाना ढूंढते हैं कि 50,000 रुपये जो है ना मुझे किसी ने, मुझे वालिद साहब ने गिफ्ट कर दिया वो. तो इसी तरह ये जो बड़े क्रिमिनल्स हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं कि अरबों रुपये इनके पास होते हैं और ना इनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ना इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है. ये पैसे कैसे आए? ये पैसे हो सकता है उनको और क्रिमिनल्स ने दिए हों और वो चाहते हैं कि ये पैसे वाइट हो जाएं. वाइट का मतलब ये है कि फिर ये ना समझ आए कि जो है कि कहते हैं ये पैसे जायज़ तरीके से कमाए गए थे या नाजायज़ तरीके से कमाए गए थे. तो वाइट होने का मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएँ और हमारे पास रीज़न भी हो कि कैसे हैं. टैक्स लॉज में भी एक आसानी डाली हुई है कि अगर आप बाहर से पैसा लाएंगे तो जो है ना आपको उस पर बताना नहीं पड़ेगा कि पैसे मैंने बाहर मुल्क में कैसे कमाए थे. उस लॉ पे आप थोड़ी सी पाबंदी लग गई है. अब $1,000,000 डॉलर्स से ज़्यादा अगर आप लाएंगे तो फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये पैसे आप कैसे लाए. तो बेसिकली टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग आपको ये बता रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है. यानी मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि आपने क्राइम में कोई पैसा कमाया हो, करप्शन के थ्रू पैसा कमाया हो, और अब आप चाह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आए और आपसे कोई पूछे भी ना कि वो हो, तो एक तरह से वाइट हो जाए, लीगल हो जाए पैसे. तो ये कैसे होता था? तो इस जो रिपोर्ट है
इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हाउ ऑस्ट्रेलियाज टैक्सपेयर डॉलर्स एंड अ फेक ड्रग कार्टेल हेल्प ब्रिंग डाउन द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मनी लॉन्डरर। तो इसमें मनी लॉन्डरर यानी इसमें दुनिया का सबसे बड़ा, इन्होंने क्लेम किया है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड मनी लॉन्डरर एक ऐसा शख्स जिसका काम ही यह था कि आप उसको क्राइम के यानी अपने 50,000 जो आपको मोबाइल चोरी करने पे आपने कमाए हैं वो आप उसको देते थे, और वो इस तरीके से करता था कि वो पैसे आपको वापस मिल जाते थे, और फिर अगर आपसे कोई पूछ भी नहीं सकता था, ऐसे लगता था कि आपने जायज़ पैसे कमाए हैं। तो ये जो मनी लॉन्डरर है, पैसों को धोने वाला है, सबसे नंबर वन दुनिया में जो था वो है खानिया एंड कालिया, एक कंपनी थी, तो उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं खानिया साहब, ये उनकी तस्वीर है और ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले फॉलोइंग द मनी, यानी पैसे को उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने $1 million दिए इनको और जो है कहा कि इसको वाइट कर दे, और उन्होंने जो है ना इसको वाइट किया, तो उसके बारे में लिखा कि कैसे जो है ना ये सारा कुछ हुआ है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेसिकली फर्स्ट उसमें वो यही बता रहे हैं कि ये $100,000 जो है हमने कैसे हमने $1 million जो है किसको पहुँचाए ताकि इसको वाइट कर दें। यहाँ लिखा हुआ है जी कि ये जो एजेंट था, एजेंट यानी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो एजेंट था जो एक तरह से क्रिमिनल बना हुआ था, अपने आप को मुलजिम शो कर रहा था, उसने अल्ताफ जो है इसको पेमेंट की और खानिया एंड कालिया, तो ये खानिया जो है अल्ताफ खानिया साहब को पेमेंट की, और मैं ज़रा नाम गलत बोल जाता हूँ तो माजरत, तो खानिया साहब को अल्ताफ खानिया साहब को पेमेंट की और जो है ना उन्होंने कहा कि ये पैसे जो है ना आपने कहीं और पहुँचाने हैं। और जैसे पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि अगर सपोज़ करें आप दुबई से या किसी और मुल्क से बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है क्या कहते हैं पैसे भिजवाते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे आपने कैसे कमाए। हाँ, फिर वो आगे आप लगाएंगे उस पर, अगर कोई मुनाफा कमाएंगे तो उस पर आपने टैक्स पे करना। इसलिए जो अयान एक्ट्रेस जो थी उनका जो केस हुआ था वो ये था कि वो फिज़िकली $500,000 अपने हैंडबैग में, अपने बैग में कैरी करके ले जा रही थी, और ये एक रूटीन थी कि इस तरह बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एक्चुअली अपने बैग्स में डॉलर्स पाउंड्स लेके जाते थे और जाके वहाँ किसी को दे देते थे, वो फिर वहाँ से जब डॉलर की सूरत बैंकिंग चैनल के थ्रू यानी बैंक के थ्रू पाकिस्तान भेजता था, तो वो पैसे ऑटोमेटिकली टैक्स वालों जो है ये नहीं पूछ सकते थे कि पैसे अगर दुबई या अमेरिका या कनाडा कहीं से भी आए तो वो उसकी सोर्स नहीं पूछ सकते थे, और ये भी नहीं पूछ सकते थे कि वो कैसे जो है ना कमाए हैं। हाँ, यहाँ जब फिर आप उनको इन्वेस्ट कर सकते, तो कैश एक्चुअली पाकिस्तान से हर रोज़ निकल रहा था और जो है क्या कहते हैं इसमें निकल के वापस आता था नॉर्मल बैंकिंग चैनल से और वो वाइट हो जाता था और लोग आगे नहीं पूछते थे। इस स्टोरी में वो बता रहे कि कानिया साहब जो हैं वो पूरी दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं उनके पैसे कैसे वाइट करते। तो चैप्टर नंबर 2 में वो कह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1961 में ये कराची आए बोल्टन मार्केट में और अपना सेटअप किया इन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया, और 1984 में उन्होंने कानिया एंड खालिया, उस टाइम 1961 में तो उन्होंने काम सीखा, बच्चे बड़े हुए सारा कुछ, फिर 1984 में कानिया एंड खालिया इंटरनेशनल KKI मैं भी कहूँगा जी बाय वो जो है फॉर्म की, और 1990 में वो जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा करेंसी ट्रेडर बन गया था। करेंसी ट्रेडर्स क्या होते हैं कि आप जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं यार ये पाउंड है, वो आपको बताते हैं आज का रेट ये है, तो आप उसकी जगह रुपीज़ ले लेते हैं, या आप कहते हैं ये रुपीज़ है मुझे यूरोज़ दे दो। तो बेसिकली करेंसी एक्सचेंज ये होते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक उनको रेगुलेट करता है, लेकिन ये जो है बेसिकली वो करते हैं उनका ये काम होता है, ये सर्विस होती है जो बिल्कुल लीगल है अगर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स करें, स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक करें तो वो करें। तो ये कानियन कालिया इंटरनेशनल, उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका काम ये था 84 में, 1990 में बहुत बड़ी हो गई थी, और वही बात करें कि कस्टमर ने सिडनी में $100,000, अब बेसिकली ये लोग कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते थे, तो हवाला जो होता है जिसको हुंडी कहते हैं, हवाला कहते हैं,
उसमें ये होता था कि सिडनी में एक कस्टमर है, उसने कहा है कि मैंने $100,000 सेंड करने हैं, मेरा एक दोस्त है दुबई में। तो कानिया साहब का एजेंट जो सिडनी जो दुबई में होता था वो जो है क्या कहते हैं उस दोस्त को दुबई में $100,000 दे देता था, और जो दुबई में बंदा है वो लिख देता था कि सिडनी में जो कानिया के एंड के आई का इंटरनेशनल का जो एजेंट है उसने मुझे $100,000 देना है। दोबारा समझ लें कि बेसिकली वो जो है ना, मैंने सिडनी से दुबई में अपने दोस्त को $100,000 भेजने हैं, तो KKI के पास मैं जाता था, सिडनी में वहाँ पे सेंटर था, और मैं कहता था कि जी ये पैसे पहुँचा दे, तो वो कहते थे कि ठीक है जी। और होता यह था कि दुबई के अंदर KKI का सेंटर होता था, वो $100,000 उस बंदे को पहुँचा देते थे और मेरे दोस्त को, और उससे रिसीविंग ले लेते थे। फिर वहाँ जो दुबई में KKI का एजेंट था वो लिख लेता था कि भाई सिडनी में जो KKI का एजेंट है उससे मैंने $100,000 लेने। फिर अगले दिन हो सकता है या 10 दिन बाद जो है इस तरह रिवर्स हो, यानी कि दुबई से किसी ने पैसे $100,000 सिडनी भेजने हो, तो फिर सिडनी वाला $100,000 जब पेमेंट करता था उसको सिडनी में कस्टमर को, तो वो क्लियर कर देता था कि जी मैंने दुबई वाले के बिहाफ पे $100,000 की पेमेंट कर दी है, तो मैंने $100,000 उससे लेना था और $100,000 उसको देना था, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये आठवीं सेंचुरी जो है 8th सेंचुरी में ऐसा ही होता था। तो इन्होंने एक सिंपल सिस्टम रखा हुआ था, ये लोग कैश इतना अपने पास रखते थे और आगे लोगों को करते थे। आगे वो कह रहा है कि 2007, 2008 में 2.3 बिलियन में 9 सिफर होते हैं, इसको अरब हम उर्दू में कहते हैं, तो 2.3 अरब रुपये जो है वो जो है ना कि ट्रांजेक्शन्स पूरे साल में KKI कर रहा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी अलकायदा के जो पैसे होते थे वो भी KKI जो है ना मनी लॉन्डर करता था, यानी उसको शो करता था कि लीगल तरीके से कमाए गए हैं, और इस तरीके से वो कराची में बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने अल्ताफ कानी साहब की पर्सनल तारीफ की है कि जी नंबर्स, बैंक अकाउंट नंबर्स उन्हें याद होते थे, बिजनेस नेम्स मल्टीपल, और वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, इंटेलेक्ट में एक जहीन दिमाग के आदमी थे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर कानिया साहब को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली होती, उनको रिकग्निशन मिली होती, उनको स्टेट बैंक के अंदर अच्छी जॉब मिली होती, तो वो अभी उन्होंने स्टेट बैंक को वर्ल्ड लेवल पे ले गए होते। लेकिन उनको जॉब्स नहीं दी होंगी, उनको जहाँ उन्होंने अपनी तालीम के मुताबिक अप्लाई किया होगा या अपने टैलेंट के मुताबिक है, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लोगों ने उन्हें मजबूर किया होगा कि वो KKI जो है ना ओपन करे, और अपना जो ब्रिलियंट माइंड है, एक जहीन तरीन आदमी है जो है कि कहते हैं इतने नंबर्स चीज़ें सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी ऐसे लोगों को नहीं पूछती, वो सिर्फ उन जो है कि कहते हैं जो लोग उनकी बात माने सिर्फ उन लोगों को रखते हैं, और उन्होंने एक मशीन बनाया हुआ इंसान को। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रिलियंट अल्ताफ कानी साहब या और बड़े सारे लोगों के ब्रिलियंट लोगों को कई जॉब नहीं मिलती, वो जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं फिर भी उनको कोई नहीं छोड़ता, तो फिर जो है ना उनको अपना अपने जहन को सही तरह यूटिलाइज करने और पागल बनने से बचने के लिए, क्योंकि यार अगर आप इतने जो है जहीन आदमी है तो आप तो पागल हो जाएंगे अगर आपको आम बंदे के लेवल पे ट्रीट किया जाए। तो यहाँ तारीफ हो रही है, और बेसिकली पाकिस्तान में जितने ब्रिलियंट लोग हैं उनको इसी तरह जो है क्या कहते हैं नेगेटिव साइड पे लेके गए, मजबूर हो जाते हैं, उन बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं वो, और फिर मज़ा आ जाता है, फिर ब्रिलियंट आदमी है उसको पकड़ने में देर होती। अब ये Chapter 3 में कह रहे हैं कि क्या हुआ, तो फिर KKI ग्रो करता गया, आगे बढ़ता गया, इस पे माशाल्लाह यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि UK की एजेंसी ने भी नज़र रखी हुई, सब ने रखी हुई थी, और वो जो है ना इस तरह कर रहे थे कि बेसिकली दो बिजनेसेस चला रहे थे, एक हलाल बिजनेस कर यानी करेंसी एक्सचेंज को, और एक हराम बिजनेस जहाँ क्राइम का पैसा लेके। और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के करप्ट इन्वायरमेंट में सिविल सर्वेंट्स यानी जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं Grade 4 से 22 तक, पॉलिटिशियंस, आर्मी जनरल, इन सबको तो ज़रूरत है ऐसे शख्स की जो इन्होंने रिश्वतें ली हैं कैश में, उस कैश को लीगल करें, ठीक है ना जी। तो इसलिए उनकी और हौसला अफजाई होती गई और इस तरीके से वो काम करते गए। अब यहाँ पे लिखा है कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने 8 नवंबर को उसके घर को
रेड किया 2008 में, ठीक है ना जी। 2008 में हुआ क्या, बेसिकली अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में ये हुआ कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो है क्या कहते हैं आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उन्होंने उन पे घर बेच दिए कि आम पब्लिक घर नहीं खरीद सकी, टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकी, डिफॉल्ट किया, तो पूरा उनका सिस्टम बैठ गया। तो उसी 2008 में 8 नवंबर पे हमारी FIA ने फिर ऑफिस में कराची में लाहौर में छापे मारे उन पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ भी इन्वॉल्व थी तो इन बेचारों को भी बीच में लिया गया। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देन अगेन मेरी बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो फिर इस तरफ जाते हैं। अच्छा, अब जो है कि कहते हैं उन पर छापा मारा गया और मुख्तलिफ बिलियन वो हो गया, ठीक है ना जी। फिर उनके जो है केस चलना शुरू हुआ, सारा कुछ हुआ, और जो है ना क्या कहते हैं अब वो बता रहे हैं चैप्टर 4 में कि उन्होंने कैसे किया। मैं इसको पैराग्राफ वाइज बताता हूँ कि बेसिकली द स्टिंग का मतलब ये है कि उन्होंने क्या काम किया के साहब जो है वो पकड़े गए। इट रेन्ड हार्ड ऑल डे एज दे फाइल्ड इन टू द फेडरल बिल्डिंग इन वर्जीनिया, दे वर अबाउट 100 ऑफ देम इन ऑल डिटेक्टिव एजेंट्स। ये बता रहे कि जी बारिश हो रही थी और वर्जीनिया अमरीका में जगह है, उस बिल्डिंग में सब लोग जमा थे, 100 से ज़्यादा डिटेक्टिव एजेंट्स वगैरह। बिल्डिंग वॉज द कैंडसन हेडक्वार्टर्स ऑफ US ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ऑन October 27, 2000 इट हैड फाइल्ड विद फॉरन एक्सेप्ट, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जी बिल्डिंग है US ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल ऑपरेशन है, पुलिस फ्रॉम ब्रिटेन कैनेडा न्यूयॉर्क एंड ऑस्ट्रेलिया हैड फ्लोन इन टू ब्रीफ टू द टॉप सीक्रेट प्लॉट टू कैप्चर अल्ताफ गानी, द वर्क ऑफ कैनबरा डिटेक्टिव्स हैड मॉफ्ड इन टू एन अनप्रेसिडेंटेड 5 Eyes ऑपरेशन। बेसिकली ब्रिटेन कैनेडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो पैसा वहाँ जा रहा था, वहाँ से आ रहा था, उनके क्रिमिनल्स भी इनके थ्रू पैसे वाइट कर रहे थे, तो वो इस मास्टर माइंड को पकड़ना चाहते थे, ठीक है जी। पीछे भी मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़ हुआ है एक वर्ड मास्टर माइंड, आई होप कि मैंने जो है इसमें उसके लिए यूज़ किया, ये जी मास्टर माइंड, यानी कि एक्सक्यूज मी, वो इतने इम्प्रेस थे कानिया साहब से कि उसको मास्टर माइंड कह रहे थे कि जो पूरे दुनिया के सिस्टम्स को आगे करके जो है ना वो करें। तो ये सारी पुलिस आई, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, वेस्टर्न नेशंस बीइंग मार्शल नॉट अगेंस्ट एस्पिनाट बट अ मनी लॉन्ड्रेड हैड नेवर हैपेंड बिफोर, के नॉर्मली इतनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज UK न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो जासूसों के पीछे तो जाते हैं, लेकिन एक मनी लॉन्डरर के पीछे जो है ना जाना ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। फिर जो है उन्होंने बताया कि जी कानिया साहब आए और फिर जो है इसमें द प्लान वॉज टू इन्फिल्ट्रेट डी अंडरकवर एजेंट इन कानिया ऑर्गेनाइजेशन द हाईएस्ट एफर्ट दैट वी डू टू डेवलप द एविडेंस दैट। अब देखें, मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई कर रहा है, कोई पैसे ले रहा है, तो आपको प्रूफ चाहिए। इधर बहुत सारे लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, सबूत भी होना चाहिए कि किसी ने गलत काम किया, और सबूत के लिए फिर आपको उसके सारे क्राइम को, उसके सारे ऑपरेशन को समझना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली वो उन्होंने KKI के अंदर मुख्तलिफ लोग फिट किए जो है क्या कहते हैं प्रूफ उनको दे सके, चाहे अकाउंटेंट थे, चाहे चौकीदार थे, चाहे उनके रिसेप्शन के लोग थे जो उनको प्रूफ दे। और याद रखें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हर वक्त क्राइम के पीछे, चाहे वो खुद कितने कर रहे हो लेकिन वो क्राइम के पीछे होते हैं, और वो इम्प्रेस हैं कानिया साहब से कि क्या दिमाग है जी इनका, ठीक है। और फिर इस तरह उन्होंने बताया कि जी उनको मुख्तलिफ फिर है 2,50,000 दिए गए, 1,000,000 के जी लॉन्डर करें, इमरजेंसी सिंडिकेट सीरियस गैस आई मीन 30 years, कानिया रिप्लाइड डोंट वरी ही टेक अप एवरी फ्यू डेज एंड हैड इट वायर्ड बैक टू। उनको कहा कि जी मुख्तलिफ लोगों ने ये शो किया कानिया साहब को कि जी हम मुजरिम हैं, हम बहुत बड़े लेवल के मुजरिम हैं, हमारे ये पैसे हैं $200,000 हर रोज़ आपने अमेरिका वापस भेजने हैं और ये और वो। और फिर ऑन इवनिंग ऑफ January 7 स्पेशल स्टूडेंट ऑफ टायर डंकन डोनर फ्रेंचाइज ऑपोजिट नॉर्दर्न लाइब्रेरी न्यू जर्सी ही वॉज होल्डिंग अ ब्लैक डफल बैग इन साइड वॉज 100,000। देखें
अब ये जो पैसे आप दे रहे हैं ना, अगर आप अपने भाई को भी पाकिस्तान से दुबई में हवाला के थ्रू पैसे भिजवा रहे हैं, तो हवाला जो है ना एक इलीगल काम है, सेफ काम नहीं है, हुकूमत इसके इजाज़त नहीं है। तो KKI जो है ना वो तो इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहा था कि आपसे कैश ले रहा था और आगे दूसरे शहर में जहाँ भी कहते थे आप कह दें। तो उन्होंने पकड़ा ही ऐसे कि एक एजेंट जो जिसने कन्विंस कर लिया था कानिया साहब को कि जी आप हमारे पैसे भेजें, तो वो $1,00,000 जो है ना एक ब्लैक डफल बैग, यानी कि एक बैग में जो है ना एक छोटा सा बैग जिसमें आप थोड़े से कपड़े रखते हैं, उस तरह के कपड़े के बैग में उसने पैसे रखे और वो उसको जो है ना पकड़ाया। और जब वो उसको पकड़ा रहा था तो वो पकड़े गए और बेसिकली जो है क्या कहते हैं फिर उनके ऊपर रेड हुआ और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और फिर कैप्चर किया उनको के जो है क्या कहते हैं, और उनके अगेंस्ट सबूत भी साथ साथ जमा कर रहे थे और इस तरह करते कराते जो है क्या कहते हैं उनको पकड़ लिया। आई लुक डाउन एंड देर वॉज अ टेक्स्ट विद अ फोटोग्राफ ऑफ कैनी सराउंडेड बाई डी एजेंट्स एंड काफी सेड इट वॉज वंडरफुल थिंग। और फिर ऑब्वियसली खबर का कंक्लूजन ये है कि अगर आप क्राइम या गलत काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और बेसिकली कानून की पकड़ पे आएंगे। तो ये सारा है जी टैक्स दोस्ती में आपको आज इस जो आर्टिकल है इसका बताने का मकसद था कि जो है ना आप विजिट कर सकते हैं abc.net पे, कैचिंग द मनी मैन कर लें, या गूगल न्यूज़ के अंदर आपको जो है ना आप अगर FIA सर्च करें तो आपको जो है क्या कहते हैं ये खबर यहाँ पे मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया हेल्प ट्रैप द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मनी लॉन्डर। तो मैंने दो बातें कहूँगा कि टैक्स दोस्ती कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, टैक्स दोस्ती किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रही, और टैक्स दोस्ती सिर्फ आपको एजुकेट कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। और मनी लॉन्ड्रिंग में डिफरेंट लोग हैं, आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पैसे भेजने वाला, पैसे रिसीव करने वाला और दरमियान वाला पर्सन। ये जो था ये कानिया साहब की कहानी थी, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे बन गए थे, दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर बन गए थे, तो इनको जो है ना इस तरह से डॉन का वो शाहरुख खान का जो है डायलॉग है कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बेसिकली इनको भी 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी और इनको पकड़ लिया। क्राइम ऑब्वियसली पकड़ा जाता है और आपको अवेयर होना चाहिए कि क्राइम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोज़। हम डेली न्यूज़ पर बात करते हैं और उससे रिलेटेड टैक्सेशन और फाइनेंशियल कवानीन पे बात करते हैं ताकि आपको अपने टैक्स राइट्स पाकिस्तान में पता चले। टैक्स दोस्ती चाहता है कि 220 मिलियन पाकिस्तानी एम्पावर हो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर जी।